केमिकल्स की देन है, वो भी वही उतनी ही बीमारियां होती हैं है। जो जो खाद हमारे जमीन को बंजर कर रही है और जो खाद से उत्पन्न चीजें हम खा रहे हैं जी। इसलिए ये भी एक विचार है, इस पर भी सोचा जाना चाहिए जी, इस पर भी सोचा जाना चाहिए। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, हम सिर्फ 10 मिनट के लिए जनता जनार्दन के फोन कॉल्स आमंत्रित कर रहे हैं, 10 मिनट से भी कम वक्त के लिए। हम चाहेंगे कि जो हमारे जनता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में सुनिश्चित कर सकें। हम सभी से गुजारिश करेंगे जो हमें देख रहे हैं, जो हमें फोन करने वाले हैं, आप कृपया जब हमें फोन करें तो अपने टीवी की आवाज कृपया ना सुने, आप हमसे, मुझसे या हमारे किसी भी मेहमान से फोन पर सीधे बात करें और फोन की आवाज अपने परिवार वालों को सुनने दें। डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कानपुर से गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, अपनी बात कहिए बहुत संक्षेप में। गणेश अपनी बात कहिए जी। मैं अभी जो इस पे आपका प्रोग्राम चल रहा है, इस पे गुटखा सिगरेट ये सभी के लिए इसमें से है, हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि आज की तारीख में पूरे समाज में जिस तरीके की जो बिक्री का जो है उसके लिए सरकारें और उसके के पुनरुत्थान के लिए उसके लिए क्या उपाय, उसके लिए भी कुछ सोच रही है कि जो इसमें से छोटे दुकानदार, एक पान वाला भी, जिसकी वजह से आज इसकी रोजी रोटियां चल रही हैं। महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन लेकिन अगर जहर बेचने के कारोबार में कोई ये कहे कि साहब 1 करोड़ लोग शामिल हैं तो क्या उसको लीगलाइज कर देना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। फिर तो जो अपराधी है, जो मर्डर करता घूमता है, जो जो चोरा चोरी झपटी करता घूमता है, वो भी कहेगा कि साहब मेरे ही परिवार लगा हुआ है, मैं मर्डर इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अपने परिवार को पालना है। ये बात दलील कहीं ना कहीं समझ नहीं आती। वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन मौत पर डिस्काउंट, गुटखा और सिगरेट जैसी जहरीली चीजें बेचने की इजाजत कम से कम अब नहीं होनी चाहिए, यह मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। डॉक्टर ब्रजमोहन शर्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में मुझे बताइए कि आखिरकार इस कैंसर को कैसे रोका जाए। सिगरेट और गुटखे का क्या कोई वैकल्प भी है, कोई ऐसा विकल्प कि अगर हम सिगरेट गुटखा छोड़ना चाहें तो हम अगर ये चीज करें, फलाना चीज करें, तो हम सिगरेट और गुटखा छोड़ सकें। शर्मा जी बोलिए। मेरा इसमें एक चीज कहना है, कहां आगाज की ईंटें, कहां अंजाम की बस्ती, बड़ा ही फर्क होता है बात कहने और काम करने में। बहुत हम अगर गुटके या इन सब चीजों से बच सकते हैं तो आप ये देखिए कि जैसे सौंफ है, इलायची है, अगर सिर्फ उन सबकी जगह हम सिर्फ उनका सेवन कर लें, या आप देखिए बहुत सारे ऐसे पान मसाले आते हैं जिनमें न तंबाकू होता है और बहुत अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, और उन पान मसाला कंपनियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि वो उसका साइंटिफिक एनालिसिस करके उसकी रिपोर्ट अपने जो है पैकिंग पे लगाएं कि भाई इसकी जो गुणवत्ता है बहुत उच्च कोटि की है, तो अगर उसको उस पर लगाएं और इसको खाने से आप माउथ फ्रेशनर भी रहेगा और आप उसकी आदतों से बच सकते हैं, तो इनसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि जो सरकारें हैं वो हमेशा ये कहती हैं कि दूसरी सरकार नहीं मानती, ये सरकार नहीं मानती, तो अगर सेंटर में कांग्रेस की सरकार है तो 6-7 जगह उनकी ही सरकार है, तो क्या एफडीआई की तरह वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी सरकार जो है तंबाकू पे और इन सब चीजों पे बैन लगाएगी, जबकि पहले से ही कानून है हमारे इस तरह के। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मैंने पहली बार किसी वैज्ञानिक को शेर पढ़ते देखा है, मैंने पहली बार किसी वैज्ञानिक को राजनीति के मुद्दे पर आम जनता के मुद्दे को इस तरह से हावी करते देखा है। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। रविदास जी, सहमत होंगे आप और सहमत होना भी चाहिए। बिल्कुल जी। तो आप कैसे सिगरेट को रोकेंगे? हम लोग उनकी बात से पूरा सहमत हैं, और सिगरेट को रोकने के लिए केंद्र सरकार भी कानून बनाए और प्रदेश की सरकार उसका पालन करे, कड़ाई के साथ उसका पालन करे, और ये सिगरेट का जो है ये बिक्री उत्पादन जो है पुताकत से रोका जाइए। ये तो आपने एक आदर्श बात कह दी कि साहब इस देश में राम राज्य आना चाहिए, लेकिन वो कौन लाएगा, कैसे लागे नहीं बता रहे आप। जैसे एक बात कही गई कि केंद्र की सरकार जो है वो पालन करे, आदेश लागू करे, और प्रदेश की सरकार, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग बात करेंगे। अरे तो पहल आप ही कर दीजिए ना मेहरोत्रा जी, आदरणीय मेहरोत्रा जी, आप ही पहल कर दीजिए ना, आपकी सरकार पहल कर दे, क्या दिक्कत है। आदेश लागू नहीं कर सकते आप, संविधान को जानते हो कि नहीं, और सिगरेट के ऊपर बैन लगाया जाता है।
जी श्रीवास्तव जी, ऊपर बैन, सिगरेट पर बैन लगे ये हम चाहते हैं और सिगरेट पर बैन लगना चाहिए। श्रीवास्तव जी चाहते तो बहुत कुछ है मेहरोत्रा जी, लेकिन चाहने भर से क्या हो जाता है साहब, करना पड़ता है। नहीं उसके लिए पूरा प्रयास होगा और सिगरेट को जो है वो बंद कराया जाएगा। जी श्रीवास्तव जी आपकी पार्टी और आपकी कोशिश क्या रहेगी? हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस पे प्रतिबंध लगे और समाज में जागरूकता भी आवे, इसके खिलाफ लोग सिगरेट और गुटखे का सेवन बंद करें। चलिए आपका काम मैं आसान करता हूं, जागरूकता वाली जिम्मेदारी मैं अपने समाचार पत्र के कंधों पर लेता हूं। हमारी संपादकीय टीम जागरूक है और हम जागरूकता फैलाएंगे और हम लोग भी इसके लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास शुरू किया और हम भी सरकार से मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस पर क्रियान्वयन करें। जी हरीश जी एक आपको सुझाव दूं, रविदास मेहरोत्रा, एक आपको सुझाव देता हूं, रविदास मेहरोत्रा जी की सरकार को तो चिट्ठी लिखिए लिखिए, लेकिन जिन सूबों में आपकी सरकारें हैं ना वहां तो इसको कल सुबह पहली फुर्सत में लागू करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे जी, वही टेस्ट केस हो जाएगा। रशीद मसूद साहब ये आपकी पार्टी के लिए भी बढ़िया होगा कि जहां जहां राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर भी एक पहल की जाए, जैसा कि 9 से बढ़ा के 12 सिलेंडर देने की पहल की गई थी वैसे ही सिगरेट पर पाबंदी लगाने की भी पहल की जाए, पूरे देश में तालियां बजेंगी, अच्छा लगेगा लोगों को। ठीक है, मतलब ये देखिए मैंने जैसा कहा है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर केंद्र कोई वो नहीं कर सकता, अगर सारी पार्टी कहें तो एक मॉडल एक्ट केंद्र बना सकता है। जो लोग संविधान से वाकिफ हैं वो तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो संविधान से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट्स को करना चाहिए, मैं इससे इत्तफाक करता हूं। लेकिन कोई भी जैसे श्रीवास्तव साहब ने कह दिया, मेहरोत्रा साहब ने कह दिया कि जी कल को लगा देंगे, मैं समझता हूं कि इतना इजी काम नहीं है कि मैं कह दूं कि कल को पाबंदी लग जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी कामयाबी होगी। जी तो कांग्रेस शासित प्रदेशों को तो कम से कम ये बात समझाई जा सकती है, जैसे 6 से बढ़ाकर 9 सिलेंडर की बात माननीय सोनिया गांधी जी ने समझा दी, वैसे ये बात भी समझाई जा सकती है कि साहब सिगरेट पर पाबंदी लगा दो। तो आपने ये क्यों समझ लिया कि नहीं समझाई जाएगी? नहीं, मैंने समझा नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार बहुत दिनों से ये प्रयास कर रही है और जो उसके इख्तियार में रहा है वो करती भी रही है। ये जो ये हेल्थ के लिए इंजूरियस जी, तो इंजूरियस है हेल्थ के लिए, ये कहां से आया लिखा जाएगा हर पैकेट के ऊपर, ये सब केंद्र की सरकार का ही लेन थी। लेकिन मैं किसी सरकार का या उसका यहां डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, मैं ये जानता हूं कि ये नुकसानदेह चीज है और इसको पार्टी से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए और कांग्रेस भी इसमें सोच रही है, ऐसा नहीं है जी। अब वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, अमिताभ जी संपाद की टिप्पणी के लिए मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा। देखिए मैं कहूंगा कि तंबाकू और उसके उसका उपयोग जिन जिन चीजों में हो रहा है वह सब समान रूप से घातक होनी मानी जानी चाहिए, इसका पैमाना नहीं होना चाहिए कि इसमें 3,343 घातक हैं और इसमें 3,341 है इसलिए ये कम खतरनाक है वो ज्यादा खतरनाक, नहीं। जितनी चीजें आदमी की जिंदगी को मौत की ओर ढकेल रही हैं उन सब पर पहले सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए कि प्रतिबंध लगाए, उसके बाद समाज की भी जिम्मेदारी है कि उस प्रतिबंध का अनुपालन भी हो। हाँ। क्योंकि मैं ये भी फिर दोहराऊंगा, केवल प्रतिबंध तो आदमी को मारने पर भी है, फिर भी कत्ल हो रहा है ना, हो रहा है ना, बिल्कुल। चोरी डकैती की छूट नहीं ना सरकार की तरफ से, फिर भी चोरी डकैती छिनैती हो रही ना। तो गुटखा और सिगरेट आप पीना और खाना नहीं छोड़ेंगे तो कोई हुकूमत क्या कर लेगी? कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री डंडा लेके घूमेगा क्या? ये डॉक्टर साहब क्या कर लेंगे? कोई नहीं कुछ कर सकता, ये आत्म जागरण भी हमको करना होगा। और मैं मसूद साहब की इस बात से सहमत हूं कि जहां जहां लिटरेसी रेट बढ़ रहा है वहां वहां तंबाकू का इस्तेमाल घट रहा है, तो इससे भी एक बात साबित होती है कि यह देखना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि यह हमारा शरीर है, हमारी सेहत है। सरकारें अपना दायित्व तो निभाएं, ठीक बात है, लेकिन उनसे बड़ी जिम्मेदारी खुद हमारी है, हमको भी उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। और सिगरेट तंबाकू गुटखा खैनी सुरती ये जितनी चीजें हैं इनको हमको खुद अपने तौर पर भी तिलांजलि देनी जी।
और हमारा चैनल समाचार प्लस उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जिन दो प्रदेशों में बहुतायत में देखा जाता है, हमारे 17 करोड़ से ज्यादा दर्शक हैं, हम आप सभी लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम आप तो इस कैंसर के वायरस, सिगरेट और तंबाकू वाले गुटखे से तौबा करें। अगर आप गुटखा नहीं खाएंगे, अगर आप सिगरेट नहीं पिएंगे, तो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां, गुटखा बनाने वाली कंपनियां, उनका धंधा वैसे ही वो थोड़े बाद उसका पानी बनाने लगेंगे बोतल बंद, सिगरेट का काम छोड़कर। हाँ, कोई भी कारोबारी घाटे का धंधा करता है क्या भाई? बिल्कुल, आप खरीदना बंद कर दीजिए, बनना बंद हो जाएगा जी। और दूसरी बात यह कि मैं इन दोनों प्रदेशों, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दोनों ही प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों से, सरकारों से ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने अपने प्रदेशों में रहने वाले वहां के नागरिकों की जान की परवाह करें और सिगरेट और तंबाकू वाले गुटखे पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाएं। और समाचार प्लस सिगरेट पर, तंबाकू वाले गुटखे पर पाबंदी की अपनी ये जिम्मेदारी को जनहित में इसी तरह से निभाता रहेगा। ये हमारा आप करोड़ों दर्शकों से वायदा है। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद साहब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मरुत्रा साहब बहुत शुक्रिया। हरीश जी धन्यवाद। ब्रजमोहन शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब बहुत देर में आए लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपने अपने शब्दों से लोगों को बताया कि कितना घातक है। आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस विशेष पेशकश में जुड़ने के लिए। नमस्कार। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच फियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की जिसके फादर थे बड़े डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैटली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके कटली। मैडम कटली, आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइए क्या मीठा मैजिक फ्रॉम पास पास। इट्स मीठा, इट्स मैजिक। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि अगर दुनिया में सरदार न होते तो क्या होता। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। तो होती पर पंजाबने ना होती, दुनिया के मुंडों की आत्मा सोनी कुड़ियों को रोती। फिरजे ना होते, रांझे ना होते, तो कौन करता कुड़ियों को प्यार। जे सरदार ना होते तो झुक किस में बनाते, कौन लाता रूखे चेहरों पे हंसे। जैसी लगती दुनिया विदाउट कलर ऑफ दस्तार। आराम ज्यादा, इसमें प्यार है ज्यादा। तेरी बहन दी, तेरी माँ दी, ये दुनिया को हमने सिखाई। जिस कोलावरी दी की बारी तो बाद में आई, गालियों के बिना यार कैसे दिखाते प्यार। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। हाजी सरदार पर जोक तो करना, पर जोक कर मत समझना, क्योंकि सरदार की दस्तार पर हाथ उठाएगा ना तो सरदार उठा देगा।
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज, आधी से ज्यादा टीम लौटी पवेलियन। योगेश डीपी के खिलाफ तल्ख हुए